dear students in this module we are going to talk about the dysfunctions of deviance deviance can also have the negative consequences for a society such as creating a sense of insecurity and fear obviously chokey an antisocial behavior which can sometimes be converted into crime or criminal activity as well so it creates अफियर एंड इनसेटी अमंग द ग्रुप मेम्बर्स और अमंग दम्बर्स ऑफ सोसाइटी एंड डिवियंस कैन ऑल्सो लीड टू सोशल डिसऑर्गनाइजेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशनस डिपेंड करता है कि किस लेवल के ऊपर डिवियंस कमिट हो रही है और उसके उस लेवल और उस कॉन्टेक्स के मुताबिक डिवियंसी जो है उसके कॉन्सिक्वेंस भी बरामद होते हैं अगर तो डेवेंसी जो है वो वायलेंट है इन नेचर तो ऑब्वियसली उसके कॉन्सिक्वेंस भी सवेयर होंगे और अगर बहुत माइल्ड लेवल के ऊपर है ऐसी डेविएंसी है जो कि आपके फोकवेज़ के हवाले से डैमेज कर रही है आपके फोकवेज को डैमेज कर रही है तो शायद उसके आ, जो रिएक्शंस हैं वो इतने सख्त बरामद ना हो लेकिन जो वो चीज़ें जो ऑलरेडी आपके लॉ के अंदर डिफाइन हो चुकी हैं अगर डिवेंसी उसके हवाले से कमिट हो रही है तो डेफिनेटली इट हैज़ इट वुड हैव सीरियस रिप्रिकॉशंस ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ योर सोसाइटी और बाज़त ये होता है कि आपके सर्टन सोशल इंस्टीट्यूशनस जिनके अंदर वो डिवेंस कमिट हो रही होती है वो भी कलेप्स कर जाते हैं इन पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैज़ कॉज सोशल डिसऑर्गनाइजेशन एंड क्रिएटेड अ सेंस ऑफ फियर अमंग सिटीजन सो so अनफॉर्चुनेटली जो सुसाइड बॉम्बिंग की एक सीरीज़ शुरू हुई थी उसमें जो एक एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर अडॉप्ट किया गया आ, उस एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर का एक स्ट्रॉग रिएक्शन जो है वो सोसाइटी के अंदर पैदा हुआ फियर था इनसिक्योरिटी थी और ना सिर्फ लोगों ने जो है वो पब्लिक प्लेसेस के अंदर जाना छोड़ दिया बल्कि बहुत सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी जो हैं वो उस हवाले से हर्ट हुई then deviance can also lead to inequality and discrimination against the marginalized groups जो ऐसे minority groups होते हैं जो marginalized groups होते हैं अगर उनके हवाले से वो deviance commit हो रही हो तो obviously उसका भी जो है वो एक बड़ा strong और serious consequence ब्रांच होता है एक fear of insecurity पैदा हो जाती है जैसे muslims जो हैं इंडिया के अंदर minority में हैं तो उनके हवाले से एक strong reaction जो है वो मेजॉरिटी हिंदुज़म के ऊपर बिलीव करने वाली जो आइडियोलॉजी के लोग हैं उनके अंदर एक स्ट्रांग रिएक्शन पैदा हुआ हुआ है तो वो चूँकि इंडिया के अंदर मौजूद मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेटरी रवैया अख्तियार करते हैं तो इसका भी एक स्ट्रॉग रिएक्शन फिर इन अपोज़िट टू दैट जो है वो इंडियन मुस्लिम्स के अंदर भी पैदा होता है तो इन इन दैट सेंस डिवियेंसी कैन हैव सवियर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस एंड सवियर डिसफंक्शन इन द सोसाइटी सो डिसंस कैन हैव द लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स ऑन द सोसाइटी एंड कैन बी डिफ़िकल्ट टू ओवरकम बाज़ात तो, तो यही होता है कि चूँकि अगर ये डिवियंसी जो है वो सिविल रॉइडस या सिविल वॉर के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो फिर इसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये डिवियंसीज जो हैं ये सर्टन सिचुएशनस uh, के अंदर रेवोलूशनस के अंदर भी कन्वर्ट हो जाती हैं जैसे कि हमारी हिस्ट्री के अंदर एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की एग्ज़ाम्पल मौजूद है इंडिया के अंदर सब कॉन्टीनेंट के अंदर जो जो फ्रीडम मूवमेंट थी उसकी एग्जाम्पल मौजूद है तो ये जो सोशल मूवमेंट्स के अंदर जब डेवियन्सी एक्सट्रीम के ऊपर कन्वर्ट होती है तो इसके बड़े सीरियसप्रिकॉशंस बरामद होते हैं हाउएवर एड्रेसिंग द रूट काज ऑफ डिवियंस कैन हेल्प प्रिवेंट इट्स नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस एज सोशल सैंटिस्ट एज सोशॉलोजिस्ट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि इसकी रूट काज को डिस्कवर किया जाए दैट डिवियंसी के पीछे कौन से ऐसे मुहरक हैं जिनकी वजह से ये डेवियन्सी जो है वो एक एक्सट्रीम लेवल की तरफ जाती है या इसके जो इमर्जिंग फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं तो ये देख के हम इसके ऊपर रिसर्च करके इसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हैं उनको अप्रीहेंड कर सकते हैं